उज्जैन से रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हो गया है। मरीज के परिजनों को तो छोड़िए, अब यह इंजेक्शन नर्सिंग होम और हॉस्पिटल संचालन करने वालों तक को नहीं मिल रहा है। उज्जैन में कोरोना वायरस के मरीज को संक्रमण का प्रतिशत फेफड़ों में बढ़ने पर डॉक्टर द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। यह इंजेक्शन दो दिन से शहर के किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि होलसेल व्यापारियों ने इंजेक्शन को इंदौर भेज दिया है ताकि उन्हें वहां अधिक दाम मिल सके। इंदौर में अभी तक दाम तय नहीं है। कोरोना संक्रमण के बाद लोगों में इतनी दहशत है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही मरीज के परिजन उक्त इंजेक्शन बाजार में ढूंढने निकल पड़ते हैं, ताकि डॉक्टर जैसे ही इंजेक्शन का कहे वे लाकर दें और उनके परिजन की जान बच जाए। परंतु बाजार में इंजेक्शन नहीं मिलता है। जेके नर्सिंग होम के संचालक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कात्यान मिश्रा के अनुसार उनके हॉस्पिटल में अभी 55 कोरोना पेशेंट भर्ती हैं, जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना है। इसके लिए अभी केवल करीब 2 दर्जन इंजेक्शन ही उपलब्ध हो पाए हैं। रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर मैं अपने अस्पताल में बताऊं तो आज 55 पेशेंट्स को रेमडेसिविर लगना है, लेकिन जो हमारे पास कोटा आ रहा है वो 27 पेशेंट्स का ही आ रहा है, क्योंकि शासन का एक दिशा निर्देश आया है कि रेमडेसिविर जो है वो केवल उन्हें ही लगेगा जिनका RT-PCR पॉजिटिव होगा। अब वो 5 बजे हमारा एक विषय वो भी है जब हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि केवल RT-PCR पॉजिटिव ही नहीं, हमें चेस्ट सीटी को भी इसमें गाइडलाइन के रूप में शामिल करना होगा। RT-PCR यदि कोई पेशेंट का एसिम्प्टोमेटिक RT-PCR है तो हम उसे रेमडेसिविर ना लगाएं भले ही वो RT-PCR पॉजिटिव हो, और यदि किसी पेशेंट के CT टेस्ट में ज़्यादा फाइंडिंग है, कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, तो थोड़ा सा ये हम चेस्ट स्पेशलिस्ट के ऊपर भी उसके डिस्क्रिशन पर भी छोड़ें कि किसे रेमडेसिविर लगाना है और किसे नहीं लगाना है। तो चेस्ट में कितनी फाइंडिंग के बाद हमें रेमडेसिविर लगाना है इसकी भी एक गाइडलाइन के विषय में जब हम आज 5 बजे कलेक्टर साहब से मिलेंगे तो हमने ये विषय भी चर्चा के लिए रखा है। रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सूत्रों का दावा है कि उक्त इंजेक्शन अभी छुटपुट रूप में बाजार में अधिक दाम पर बिक रहा है, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स वाले अधिक दाम पर इसे बेचने के लिए खरीद कर लाए थे, अतः कम दाम पर बेचने से रहे, इसलिए उन्होंने बाजार से माल उठा लिया। अब वे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो कि बहुत नजदीकी है। बताया जाता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का होलसेल कारोबार कुछ ही विक्रेता करते हैं। उज्जैन में रेट तय होते ही उन्होंने इसे बाजार से गायब कर दिया है, इससे इंजेक्शन की कमी हो गई है। चूंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन जीवन रक्षक औषधि की श्रेणी में आ गया है, इसलिए इसका रिकॉर्ड भी रखना अनिवार्य है। अगर प्रशासन जांच करे तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार मरीज ज्यादा आने से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है, 1-2 दिन में स्टॉक आने से समस्या दूर हो जाएगी। इंजेक्शन के मामले में 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक चीज तो यह है कि जो रेमडेसिविर का प्रिस्क्राइब भी किया जा रहा है वो कुछ गलत तरीके से किया जा रहा है। गलत तरीके से तो नहीं, अनावश्यक तरीके से मैं बोलूँगा। अगर लंग्स में केवल ऐसा देखने में आया है कि 5-10% के आसपास ही इन्फेक्शन है, उसके बाद भी जो रेमडेसिविर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो पूरी तरीके से गलत है, इस संबंध में आज मैं एक गाइडलाइन जारी करने वाला हूं कि अगर इन क्राइटेरिया को कोई पूरा करता होगा तभी उसको रेमडेसिविर दिया जाना चाहिए, क्योंकि रेमडेसिविर के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर जो है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, महंगी भी आती है, साइड इफ़ेक्ट्स भी है, इसीलिए सोच समझ कर इसका प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम लोग इस ढंग से जाएंगे तो इसकी थोड़ी डिमांड कम होगी। जहाँ तक सप्लाई की बात है, एक 899 रुपये की लॉन्च हुई थी, हालांकि उसकी सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है, 1-2 कंपनियों से हमारी और बात हुई है। थोड़ी महंगी ज़रूर हैं 1-2 कंपनियाँ, 3,000 के आसपास उनका रेट है, लेकिन उन्होंने सहमति दी है डेली 1,000 वायल्स यहाँ पर उपलब्ध कराने की। तो हम लोग सप्लाई साइड में प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसको बढ़ाएंगे भी।